जय हिंद जय भारत। मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार की महावीर कॉलोनी के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर काफ़ी लंबे समय से अगर मैं बात करता हूँ गंगा पुत्र राजेश हिंदुस्तानी की तरफ से यहाँ पर एक अनशन पर बैठे हुए हैं। फिलहाल देख सकते हैं इन्होंने काफ़ी जन सेवाओं में अपना सहयोग दिया, चाहे वो राजीव नगर की नहर बनवाने को लेकर हो। फिलहाल एक बार राहुल भाई कहूँगा पहले इस साइड आ जाए, पूरा मैं आपको मामला समझा देता हूँ कि किस लिए यहाँ पर किसके चलते हुए यहाँ पर एक लंबा अनशन चल रहा है। फिलहाल पहले तो एक बार भाई जितने भी दिखा देता हूँ, पहले महावीर कॉलोनी की वाटर पोक डिग्गी कहा जाता है जिसे, फिलहाल इसके अंदर हम मौजूद हैं। इसके जल भराव को लेकर अगर मैं बात करते हैं, लंबे समय से विवाद चलता आ रहा था कि एरिया वालों का ये कहना था कि इसके अंदर गंदा पानी जमा हो चुका था। अगर मैं बात करता हूँ सीवरेज का ले लीजिए, कीचड़ वगैरह सड़क वगैरह मान लीजिए दूषित पानी इसके अंदर जा चुका है 2-3 फुट तक। उसके बाद प्रशासन की तरफ से इसे टैंक को फुल कर दिया गया। मैं बात करता हूँ फिलहाल अगर सफाई की बात करता हूँ तो देख लीजिए अभी भी सफाई का किस प्रकार हाल है। आगे की तरफ दिखाएं पहले राहुल भाई, बिल्कुल थोड़ा सामने जूम करके अच्छी तरह दिखा दें एक बार, देख सकते हैं भाई। फिलहाल राजेश जी से बात कर लेते हैं, कुछ महावीर कॉलोनी के लोकल निवासी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं पूरा मामला और अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या हुआ है या क्या अब तक नहीं हुआ। और एक बड़ी बात सामने निकल कर ये भी आती थी कि मैं बात करता हूँ उपायुक्त महोदय हिसार की DC प्रियंका सोनी जी का भी दौरा लगा, बड़े बड़े आला अधिकारियों का यहाँ पर दौरा हुआ था। उसके बाद आश्वासन भी दिया गया DC महोदय की तरफ से, पर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई, ना ही जो ठेकेदार थे यहाँ के ना ही उनकी तरफ से। फिलहाल राजेश जी हमारे साथ मौजूद है जो अनशन पर बैठे हैं, अगर मैं बात करता हूँ काफ़ी लंबा समय इन्हें हो चुका है, इनसे जान लेते हैं। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार जी, कैसे हो सर? ठीक है जी, जो भी है। कितने दिन हो चुके आपको अनशन पर बैठे हुए? 33वां दिन। 33वां दिन है। अन्न खाना पानी त्याग रखा है या खाते पीते हैं एक टाइम या ऐसा कुछ? नहीं, अनाज नहीं, बिल्कुल नहीं खा रहा हूँ। हाँ जी, 33 दिनों से। हाँ जी, बाकी चाय पानी आप ले रहे हैं? हाँ, दूध में पत्ती ले रहा हूँ, थोड़ा मौसमी वगैरह। अनाज बंद कर दिया और थोड़ा सा दूध में लेने लग गया, क्योंकि 8-10 दिन मैंने कुछ नहीं खाया। अच्छा। तो जब ज़्यादा तबीयत बिगड़ी 2-3 बार मेरी, तो डॉक्टर साहब ने और ने सभी ने, आम लोगों ने भी जो मेरे वेल विशर हैं उन्होंने भी कहा कि आप बिल्कुल ऐसा ना करें, थोड़ा सा दूध। तो वो मेरे को बाद में ठीक भी नहीं आया, मतलब कहीं ना कहीं मैं बात, आपने अनाज बंद कर दिए, बाकी नॉर्मल ले रहे हैं थोड़ा बहुत छोटा मोटा? ये लिक्विड है जैसे मौसमी है, या जो दूध में पत्ती डलवा के 2-3 बार, या जो मैं थोड़ा दूध लेता हूँ। मुद्दे की बात की जाए, जनता जनार्दन का भी एक सवाल था, मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। काफ़ी लंबा समय हो चुका है आपको अनशन करते हुए, प्रशासन की तरफ से उपायुक्त महोदय यहाँ पर दौरा कर गए थे पहले की मैं बात करता हूँ, डिस्पोजल वाले मामले में उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं उसका धीरे धीरे निपटारा करें। बिल्कुल सही हूँ? सही, बिल्कुल। उसके बाद निपटारा क्यों नहीं हो रहा महाराज? पता नहीं, उनकी विल पावर का भी मुझे वो बार बार जो है वो बार बार प्रशासन में DC महोदय से मैं 3-4 मामलों में मिला हूँ। अच्छा, लगातार 3-4 मामलों में, और उनको पता चल चुका डिस्पोजल के मामले में SK त्यागी एक्शन ने, जो बरसाती डिस्पोजल है, उन्होंने भी कहा था। मैं 3 बार महिलाओं पुरुषों के साथ मिला था, रणबीर गंगवा जी को हम मिले थे, और DC साहिबा को सारी बात बताने के बावजूद वहाँ पे वो बनाया गया गलत तरीके से, और जब गड़बड़ हुई तो DC साहिबा एक मिनट माफी दीजिए मुझे बस। उपायुक्त महोदय से आप 2-3 बार मिल चुके, 3-4 बार मान लीजिए, नहीं उस मामले में, सिर्फ उस मामले, बाकी अलग से। हाँ जी जी, अलग से। तो उनका क्या रवैया रहता है, कैसे नेचर में मैं बात करता हूँ? ऐसा है जी, वो जल्दी में चलते हुए बात करते हैं, और काफ़ी घंटे मैंने वेट भी किया उनकी, कई घंटे मैंने इंतज़ार किया है। मैं कोई पर्सनल काम के लिए नहीं जा रहा, आज भी मेरी वही दशा है जो बहुत पहले सालों में थी। नए बदल जाते हैं, पता नहीं क्या होता है। अरे आउटपुट तो ले लो, आप कौन किस लिए आ रहे हैं? मैं पब्लिक के लिए बैठा हूँ, तो 2-3 घंटे मिलने के बाद वो आधा मिनट या 1 मिनट या 1.5 मिनट, या कई बार उन्होंने नीचे भी बात की है खड़े हुए, बच्चा मुझे 2-1 मिनट ही दे दें, वो मैटर समझ जाएँ और उस पर कार्रवाई करें। कई बार त्वरित कार्रवाई, तुरंत कार्रवाई की बात होती है, जो कि 2-3 दिन बाद का मैटर देखने की नहीं होती। जैसे पेड़ काटने वाला मामला था विद्युत नगर में, जैसे डिस्पोजल का मामला था, जैसे यहाँ दलदल वाला मामला था, वो संज्ञान में नहीं लिया गया। अब जो मामला था वो भी नहीं लिया गया कि पानी मत छोड़िए, उन्होंने उनके PA ने तो कह भी दिया कि पानी मत छोड़ दियो, पब्लिक पर खेल रहा हूँ, अपने शरीर को दाव पर लगा दिया देश हित में, जनता के हित में,
और पहले भी लगा चुका हूँ, तो मैं तो अपने प्राण जाएंगे तो जाएंगे, मैं मेरे पास तो कोई और देश को अपने जीवन देने से उपाय इसके अलावा कोई है नहीं, जो अपने महान शहीदों गांधी भगत सिंह बोस ने सब ने दिया, तो मेरे पास तो कोई और उपाय नहीं। मैं तो ये लोकल है कि मेरे ख्याल एक बार ये भी लोकल है सर, दो मिनट थोड़ा आगे आ जाए, सिर्फ दो मिनट के लिए आप भी आ जाए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। राजेश जी को कितना समय हो चुका आपको देखते हुए, जन सेवा करते हुए, आप कितने समय से जानते हैं भाई? इनको करीबन मैं 6 साल से जानता हूँ यहाँ पर। जनाब एक बात है, प्रशासन ऐसे अगर मैं बात करता हूँ पुरुषों की, क्यों नहीं मांगे मांग जो जन समस्याएं सुनने के लिए आगे निकल कर आते हैं, लोगों की भलाई के लिए उठते हैं, इनकी मांगे नहीं पूरी हो रही तो आम जनता का क्या होगा? देखो जी, ये तो प्रशासन की समझ का सवाल है, वो कितने टाइम में सुनेगा या कब सुनेगा, लेकिन जो ये समस्या उठा रखी है जनहित के लिए है, लोगों की समस्या है ये। पर एक बात मानते हो, प्रशासन ढिलाई बरतता है कहीं ना कहीं? हाँ जी, कहीं ना कहीं है सिस्टम में कम। ढिलाई का बोल रहे हैं कि ढिलाई बरतते हैं प्रशासन? ढिलाई तो क्या है जी, वो भी अपने अनुसार ही स्टैंड लेगा। नहीं, आपसे पूछ लेता हूँ, है कहीं ना कहीं ढिलाई? नहीं नहीं, ढिलाई नहीं है जी, महा ढिलाई है, कुंभकर्णी नींद है उनकी। दूसरा मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ, क्या मैं प्रशासन से या सरकार से या नेताओं से अपने लिए कुछ मांग रहा हूँ? क्या मेयर साहब की कोई ड्यूटी नहीं है? क्या विधायक की कोई ड्यूटी नहीं है? क्या एमसीओ की ड्यूटी नहीं है? क्या सत्ता का स्वाद इतना अच्छा लगता है सबको? और डीसी साहिबा को तो चलो यहाँ है कहीं और, अरे उनकी भी तो एक मॉरल ड्यूटी है, डीसी को कहते हैं जिले का मालिक होता है, वो कहावत तो इन्होंने झूठी कर दी, क्योंकि जब उनकी बात नहीं मानी गई तो मेरी सुध डीसी साहिबा को खुद लेनी थी। अब मैंने सोचा भी है कि कल मैं फिर से उनको बताऊं, क्योंकि जो दूसरे टैंक की जो गाद गिर रही है, जो गंदगी निकाली जा रही है, वो टैंक के बिल्कुल बाहर है। तो राजेश हिंदुस्तानी ठेकेदारों से भिड़े, राजेश हिंदुस्तानी पब्लिक हेल्थ के अफसरों से भिड़ंत होती रहे, किसी को क्या लेना देना, क्या जनता को लेना देना, क्या प्रशासन को। मैंने वो पेड़ कटते हुए जहाँ पे उन्होंने गंदगी डालनी है, कुछ पेड़ उन्होंने काट दिए, उसके बाद परसों मेरी काफ़ी उन तूतड़ा कोई और केस डालने तक की बात हुई, मेरे पे केस डल जाए मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैं उनके ऊपर भी केस डालूंगा जो गलत तरीके से पेड़ काटते हैं, तब जा करके वो पेड़ बचाए गए हैं। क्या मेरी ड्यूटी थी ये? क्या डीसी साहिबा की ड्यूटी नहीं थी? 33 दिन से यहाँ बैठे हैं तो मैं जाऊँ? एक मिनट मुझे मौका दीजिए। एक बात आएँ, अगर मैं आला अधिकारी छोटे से लेकर बड़े लेवल की बात करता हूँ, कोई भी विभाग में किसी भी दफ्तर में, अगर मैं बिजली दफ्तर ले लीजिए, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, नगर निगम, कमिश्नर ऑफिस कोई भी ले लीजिए, जितने भी लोग अहदे पर बैठे हैं उनका क्या कार्य होता है पहले तो आप मुझे बता दें। क्या वो समाज सेवा का, जितने भी लोग हैं मान लीजिए, उनकी सेवा के लिए बैठे होते हैं या अपनी सेवा के लिए? वो पब्लिक सर्वेंट है जी। आप क्या मानते हैं? दे आर ऑल पब्लिक सर्वेंट। पर दिखने में ऐसा नहीं होता जनाब। और पब्लिक सर्वेंट हैं, वेतन भोगी सर्वेंट हैं, क्योंकि जनता टैक्स देती है सरकार को, सरकार ने ड्यूटी लगाई है पब्लिक की सेवा करने की, वो ड्यूटी निभाने की। लेकिन उन लोगों की, मेरा मानना तो ये है, ज़्यादातर मैंने अपने 30 साल के इस जीवन में सेवा करते के दौरान ज़्यादातर को मैंने अंग्रेजी मानसिकता से ग्रस्त पाया है, जो अंग्रेज़ होते थे जो भारतीयों को दोयम दर्जे का और ख़ुद को ऊंचा अधिकारी समझते थे और जनता को मतलब एक भेड़ बकरी की तरह यूज करते थे, बल्कि उनमें भी कईयों ने इतिहास रचा है कि अपने दरवाजे से वो रात को भी निकल के आकर कई बार उन्होंने भी मानवता दिखाई है। लेकिन आज के अधिकारियों में मुझे नज़र नहीं आता, वो गौर ही नहीं करते कि मामला क्या है। डिस्पोजल वाले मामले के बाद तो मैडम डीसी साहिबा का मैं बड़ा सम्मान करता था, लेकिन अब मुझे थोड़ी निराशा हो रही है, मैं कल फिर मिलने जाऊंगा। क्या लेना था? इतने मामले देखने के बाद तो डीसी साहिबा को पूरी गौर करनी चाहिए थी कि ये बंदा, उनके पास पूरी सीआईडी है। एक्शन साहब त्यागी जी ने साफ कहा था, सच्चा हिंदुस्तानी है और ठीक लड़ाई लड़ रहा है, हमारी पार नहीं पड़ने दी एमसीओ वगैरह ने, और डिस्पोजल बनवा दिया, दो दो डिस्पोजल बन गए, दूसरा भी कामयाब नहीं। उसके बाद डीसी साहिबा को ये पता लग गया भी नहर कवर कराई है, अंडरग्राउंड कराई है, ये समाज हित का काम करते हैं, बिना स्वार्थ करते हैं। उसके बाद क्या नाम है पहले बताएं, यहाँ के पार्षद साहब का क्या नाम है? यहाँ पार्षद है भूप सिंह रोहिला, एक तो परली साइड के पढ़ते हैं, इधर जो है ये एरिया अपना पड़ता है, जो सामने वाला है प्रीतम जो है, हाँ जी प्रीतम सैनी, ये जो सामने जो मकान दिख रहे हैं तीसरा, ये अनिल मानिक जी के, ये बॉर्डर है दोनों तीनों का, तीनों का। हाँ, ये अनिल मानिक जी है, जहाँ पर तीन तीन, और मैं बात कर पार्षदों की सत्ता लगती है, एक सीमा, दूसरी और तीसरी, ठीक कह रहा हूँ जी, उसके बावजूद भी इतनी ढिलाई चलती है। ढिलाई क्या, उनमें कोई करने की तमन्ना ही नहीं है। भूप रोहिला तो ये तक कहा था, मैं वहाँ बैठा था, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जब मैं शिव चौक पर बैठा था डिस्पोजल के दौरान, धमका के तेरा यहाँ क्या काम है,
खड़ा हो यहाँ से, तेरा घर कहीं, तुझे क्या लेना बता, धमकियाँ दी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने लाइव वीडियो वो शुरू किया, वीडियो शुरू किया, तो वो बात बदलने लगे। फिर डॉक्टर कुलदीप ने भी उन्हें कहा आप इनको धमका क्यों रहे हो, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, बाद में वो बात बदल गए। मैंने उनको एक बात कही थी, मेरा यहाँ नहीं, मेरा राजीव नगर में क्या मेरा घर था, वो मैंने अंडरग्राउंड कराई नहर, तो मेरा घर तो पूरा हिसार, पूरा हरियाणा और पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड मेरा घर है, पूरी धरती माता मेरा घर है। भैया आप क्या कहेंगे, वसुंधैवी कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है, अगर हम लोग ये जागरूक नागरिक बन के मानने लग जाएं तो समस्याएं खुद दूर हो जाएंगी। पहले राहुल भाई को कहूँगा एक बार चारों तरफ दिखा दें, एक बार समाज सेवा के कार्यों में अगर मैं बात करता हूँ, राजेश हिंदुस्तानी का बड़ा नाम है, बड़ा दर्जा है हिसार के अंदर, कई अनेकों अगर मैं बात करता हूँ कार्यों में अपना सहयोग दिया है। अब जनता जनार्दन के हाथ में है कि जनता जनार्दन किस प्रकार से इनके समर्थन में आती है और क्या इनके साथ और किस प्रकार का साथ देगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके जुड़ते हैं कि आपका क्या मानना है। फिलहाल देख सकते हैं काफ़ी सालों से मैं बात करता हूँ, देख सकते हैं अभी भी अनशन पर मौजूद हैं, 33 दिन का इन्हें समय हो चुका है, अन्न इन्होंने त्याग रखा है, बाकी चाय पानी थोड़ा बहुत जितना भी लेना चाहते हैं वो ले रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके जुड़ते हैं कि आपका क्या मानना है। चैनल के साथ बने रहें, RSN एक्सप्रेस के साथ खबरों का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं